अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो मैं जानता हूँ वीडियोस नहीं आ रही थी, मैंने इंस्टाग्राम पे बताया था आपने कि मेरे पेपर्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊँगा। तो अगर आपको नहीं पता तो मेक श्योर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो लॉकडाउन का सीज़न 4 आ चुका है और हर सीज़न की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइसेस अप हो रही हैं और स्पेशली लैपटॉप्स और टैबलेट की, क्योंकि पढ़ाई को रोकना नहीं चाहिए और ना ही पढ़ाई रुक रही है। ये शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन बेसिस पे और बच्चों के ऑनलाइन एग्जाम्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं और इन चक्रों में लैपटॉप और स्पेशली टैबलेट्स की डिमांड बढ़ गई है। तो आज के इस वीडियो में आपको एक टैबलेट का रिव्यू दूंगा जो कि पर्सनली मैंने बाय किया अपने भाई के लिए, उसकी ऑनलाइन क्लासेस थी। उससे पहले मैं ये वावे का डोकोमो डी टैब यूज़ कर रहा था, बेहतरीन था 3GB रैम के साथ, बट स्टिल अपग्रेड की ज़रूरत थी। एंड देन मैंने फिर चूज़ किया सैमसंग का टैब S7। अब ये जो आप लोग दो बॉक्सेस देख रहे हैं, ये मैंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इस रेंज में ये किस प्राइस रेंज में आपको मिलेंगे और ये आपको क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं इस टैबलेट के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो सीधा वीडियो की तरफ चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके डिस्प्ले के हवाले से और इसके ओवरऑल बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से। यह है सैमसंग गैलेक्सी टैब S7। बैक इसकी एलुमिनियम की है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले है TFT पैनल 10.4 इंचेस का, जिसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1200 टू 2000 स्क्रीन रेजोल्यूशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। आपको डे लाइट में ईजिली कोई भी परेशानी नहीं देंगे, वैसे डे लाइट में आपको कोई काम नहीं है इवन टैबलेट का खास तौर पर, बट स्टिल अगर आप फिर भी डे लाइट डायरेक्टली सनलाइट के नीचे यूज़ करेंगे तब भी आपको कोई परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी। काफ़ी हैंडी है, काफ़ी हैंडी इसका साइज़ है 10.4 इंचेस का, जो कि एक आइडियल साइज़ है एक टैब के लिए। और अगर हम लोग इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये आपको मिलेगा 32,500 का 3GB वेरिएंट। और ये वाईफाई एडिशन है, मतलब ये सिम वाला टैबलेट नहीं है, इसमें आपको वाईफाई चलाना पड़ेगा और इस रेंज में सिम वाले भी आते हैं इस सैमसंग टैब S7 में, बट ये मेरे पास जो है वो पर्टिकुलर वाईफाई वाला है। और अगर हम लोग बात करें इसके एक मिसिंग फीचर के बारे में जो कि आपको नहीं मिलता इस प्राइस टैग में, वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि इस प्राइस रेंज में स्क्रीन वाले सैमसंग इवन दे ही नहीं सकता, और बाकी बैक पे और ना कि आपको बटन वाला फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, मतलब ओवरऑल इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। बैक पर आपको एक सिंगल कैमरा दिखता है जो कि एक बटन जैसा लगता है, और फ्रंट पे भी एक कैमरा है। मैं आपको थोड़ी देर में इसकी कैमरा क्वालिटी चेक करवाऊंगा। उससे पहले अगर हम लोग इसकी बात कर लें इसकी रैम के बारे में और इसके स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के बारे में, इसमें 3GB की रैम लगी हुई है और स्नैपड्रैगन 662 लगा हुआ है, यानी कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड। और अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, इसकी डे टू डे यूजेज की बात करें, तो डेली यूजेज में ऑनलाइन क्लासेस में जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, आपको कोई भी परेशानी फेस करने को नहीं मिलेगी, लैग नहीं है, 99% तक लैग नहीं है। लेकिन अगर आप गेमिंग की बात करें, स्नैपड्रैगन 662 के साथ 3GB रैम का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, आप इसमें गेमिंग कर सकते हैं बिना किसी लैग के। थोड़े बहुत लैग वहां पर जाके आपको होंगे जहां पर आप पबजी खेलेंगे, हाई फ्रेम रेट पर खेलेंगे, बट स्टिल इसमें गेमिंग कमाल की होती है। और मैं जानता हूं इस रेंज में चाइनीज ब्रांड जो कि अननोन टैबलेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको दे रहे होते हैं, बेहतरीन प्रोसेसर दे रहे होते हैं, इवन बहुत ज़्यादा रैम भी दे रहे होते हैं, बट स्टिल सैमसंग की अपनी एक क्लास है और इससे बेहतरीन टैबलेट सैमसंग का इनिशियल रेट पर आपको नहीं मिलेगा, सबसे चीपेस्ट सैमसंग का टैब है। बाकी चाइनीज़ टैबलेट जो आपको इस रेंज में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो इसकी ऐप ऑप्टिमाइजेशन से, इसके यूज़र इंटरफेस से और ओवरऑल इसकी बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा दूर है। और अगर रैम और परफॉर्मेंस की बात चल ही रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसकी बैटरी का साइज़, वो है 7020 mAh की बैटरी, जो कि आप 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ इसको चार्ज कर सकते हैं। अब ये बैटरी नॉर्मल यूजेज आपको 2 दिन भी निकाल देगी, और अगर आप हैवी गेमर टाइप बंदे हैं तो आपका 1 दिन आराम से इसमें निकल सकता है। अब बात करते हैं इसके थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में, जो कि है इसका कैमरा। इसमें आपको बैक पे मिलता है 8 MP का मैन कैमरा, जिसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p पे 30 FPS पे। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो वहां पर आपको मिलता है 5 MP का फ्रंट कैमरा, जिसपे आप सेम 1080p 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब टू बी ऑनेस्ट, इसकी मैं अगर फोटोज़ की बात करूं, इसकी वीडियोस की बात करूं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और आप बेहतर जज कर सकते हैं ये लो लाइट में, डे लाइट में और ब्राइट कंडीशन में किस तरह वर्क करता है। स्पेशली लो लाइट में ये स्ट्रगल कर रहा होता है मैं मानता हूं, और आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, बट डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा डिसेंट वर्क कर रहा है और इसके सारे मोड्स भी बेहतरीन वर्क करता है, डायनेमिक रेंज भी अच्छी पकड़ रहा है और बंदे को डिटेक्ट भी बेहतर कर रहा है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस रेंज में ये टैबलेट बाय करना है,
हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नंबर भी दे रहा हूँ, ताकि आप मेरा रेफरेंस दे के वहाँ से बाय कर सकें अगर आपको बाय करना हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हैं वीडियो का। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।